नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मूवी मसाला सीरीज में, जिसमें हम आज बात करने वाले कल की मूवी की। कल की मूवी प्रभास फैंस को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती, क्योंकि कल की मूवी वन मैन शो ना होकर एक टीम वर्क मूवी है, जिसमें हमें मेन लीड कैरेक्टर्स के साथ कुछ केमियोस देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम मेन लीड कैरेक्टर के साथ केमियोस की भी बात करने वाले हैं। मेन लीड कैरेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखते हैं प्रभास। प्रभास ऐसा भैरवा दिखते हैं जो मूवी में मेन लीड कैरेक्टर कह सकते हैं, मगर मेन लीड कैरेक्टर नहीं है। वही प्रभास की होती बुज्जीकार। बुज्जीकार का प्रमोशन भारत में देश में कहीं जगह किया गया, वही मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी बुज्जीकार का प्रमोशन किया गया। हमें अमिताभ बच्चन एज अ अश्वत्थामा देखने को मिलते हैं, जिनका फ्लैशबैक में हमें महाभारत के कुछ सीन्स भी मूवी में दिखाए जाते हैं। वही कमल हसन जैसा कली का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो मूवी के मेन विलन है। वही दिशा पटानी एज अ रेक्सा का रोल प्ले करती है, और हमारे दीपिका पादुकोण जैसा पद्मा का रोल प्ले करती है, जो इस मूवी के लिए सबसे मेन कैरेक्टर है वो पद्मा ही है। वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। वही बात की जाए मूवीज में केमियोज की, तो केमियोज में विजय देवरकोंडा, दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर ऐसे कहीं मिलते हैं, जिसमें हमें विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर एज अर्जुन मिलता है, जो कि धांसू एंट्री होती मूवी में। सबसे जो प्यारी एंट्री वो मुझे विजय देवरकोंडा की लगी एज अर्जुन। वही दुलकर सलमान का रोल हमें कैप्टन का रोल में दिखता है, जिनका रिलेशन प्रभास से, वो आप मूवी को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। मृणाल ठाकुर का रिलेशन पद्मा से है, पद्मा मतलब दीपिका पादुकोण से। वही हमें देखने को मिलता है रामगोपाल वर्मा, रामगोपाल वर्मा का छोटा सा केमियो है, जिसमें वो एक हमें शॉपकीपर के या फिर शॉपकीपर के रोल में दिखते हैं। और सबसे स्पेशल केमियोस की बात की जाए, सबसे स्पेशल केमियो में राजा मौली का। राजा मौली बाहुबली मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं। इस मूवी में प्रभास और राजा मौली का डायलॉग है, जिसमें प्रभास कहते हैं कि तूने मेरे 5 साल ले लिए, वही राजा मौली कहता है कि अभी तो हमने तेरे 5 साल ही ले लिए, तो मैं तेरे 10 साल भी लूंगा आगे। कभी मूवी के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कभी आपने मूवी अभी तक नहीं देखे तो अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाकर सबसे पहले यह मूवी देखें, फिर उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में आकर मूवी को रेटिंग दे, काटते हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।